हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले एसक्यूएल में चैप्टर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 34 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट प्लीज जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज किक्ड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड्स फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। चलिए ठीक है, एक फील्ड है, फील्ड को ये आप एज्यूम कीजिए इस तरह का एक फील्ड है, ठीक है। और इसके सेंटर पे कुछ इस तरह का मान लीजिए लंबा चौड़ा फील्ड है और पीछे भी तरफ भी है, यहाँ पर एक फुटबॉल को रखा गया है और एक ये गोल पोस्ट है, ये गोल पोस्ट है कुछ इस तरह का 10 फीट हाई गोल पोस्ट है, ठीक है। इसके पर द सेंटर ऑफ द फुट फील्ड 40 यार्ड फ्रॉम द, अच्छा, और ये फुटबॉल जो है, ठीक है, ये फुटबॉल इस गोल पोस्ट से 40 यार्ड के डिस्टेंस पे है, 40 यार्ड के डिस्टेंस पे। स्टूडेंट 1 यार्ड इक्वल टू होता है 3 फीट, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 40 × 3 = 120 फीट हो जाएगा। इतने डिस्टेंस पे फुटबॉल है, गोल पोस्ट है जिसका हाइट है 10 फीट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है, अ गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट ए स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, ठीक है। तो एज्यूम कीजिए कि कोई प्लेयर जो है इस फुटबॉल को किक करता है, कितना स्पीड से किक करता है, 64 फीट पर सेकेंड के स्पीड से इसको किक करता है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे इसको किक करता है, कुछ इस तरह का कोई आया फुटबॉल और इस तरह से पैर से इसको हिट किया, ठीक है। तो कुछ ये इस तरह का ऑब्वियस है, इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, समझ सकते हैं। तो वही ये कह रहा है कि ये क्या गोल पोस्ट को हिट करेगा कि नहीं, विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, गोल पोस्ट तक पहुंचेगा कि नहीं ये बॉल, यही हम लोगों को जानना है, ठीक है। हो सकता है कि ये ऊपर से क्रॉस कर जाए, इसका जो मैक्सिमम हाइट हो, इसका हाइट जो हो, जब इसका रेंज जो है, जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर 120 फीट है उस समय हो सके अगर इसका हाइट 10 फीट से ज्यादा हो जाएगा वर्टिकल हाइट, तो ये क्या करेगा, ये गोल पोस्ट तक रीच नहीं करेगा, ये आगे क्रॉस कर जाएगा, क्लियर है। अगर इससे कम हो गया, जिस समय इसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 120 फीट है, अगर उस समय इसका वर्टिकल डिस्टेंस हाइट जो है 10 फीट से कम हो गया तो ये रीच करेगा, पहुंचेगा, क्लियर है। तो मतलब कहने का है कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए, कोई ऐसा फॉर्मूला हम लोग चाह रहे हैं जहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो सिंपल जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं जब आपने थ्योरी को पढ़ी है, तो ये मेरा सीधा इशारा है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के तरफ। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री स्टूडेंट क्या होता है, शॉर्ट में थोड़ा आपको हम रिकॉल करवाएं। सपोज कीजिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का एक जनरल केस हम आपको दिखा रहे हैं कि वी नॉट स्पीड से अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करते हैं अल्फा एंगल पे, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जब इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस है एक्स और वर्टिकल डिस्टेंस वाई है, तो ये आपस में रिलेटेड होते हैं बाई दिस फॉर्मूला वाई इक्वल टू एक्स टैन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। और इसके स्टूडेंट हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, जिसका डेरिवेशन आपको कहीं भी बहुत जगह मिल जाएगा, इनफैक्ट आप आसानी से कर भी सकते हैं, वो करके आप देखेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, कैसे ध्यान गया भाई, क्योंकि ये चेक करना है ना कि जिस समय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब एक्स जो है ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। तो जब एक्स का वैल्यू 120 फीट है तब हम इसका फाइनली देखना चाहते हैं कि इसका हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 10 फीट से कम हो गया तो पहुंच जाएगा, 10 फीट से ज्यादा होगा तो आगे क्रॉस कर जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 120 फीट है उस समय इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला से हमारा निकलेगा क्योंकि सारा चीज पता है, इसका वैल्यू 120 फीट, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वी नॉट 64, सारा चीज दिया हुआ, जी का वैल्यू पता है, आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू देखिए रखते हैं 120, ठीक है, tan 45 डिग्री माइनस जी, फीट में बात कर रहे हैं तो जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो 32 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 120 का स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, 2 वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट कितना है 64 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, अल्फा एंगल कितना है 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री,
क्लियर स्टूडेंट, सबका वैल्यू पुट करते हैं 120 टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 टेन 45 डिग्री 1 माइनस 32 12 का स्क्वायर ये 144 है, दो जीरो हो गया इधर, 2 इंटू 64 इंटू 64 इंटू ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2, 2 आपका ऊपर में चला जाएगा, 2 आपका ऊपर में चला जाएगा। क्लियर है, सिंपल मैथ, फिजिक्स तो यहीं तक था आपका, फिजिक्स आपका यहीं तक था या यहाँ तक कह सकते हैं, क्लियर, यहाँ तक फिजिक्स आपका, आगे तो मैथ है। 120 माइनस सिंपली इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ठीक है, 32 से ये 2 हो गया, ठीक है, और फर्दर ऐसा करते हैं, ये 2 से ये 2, ये 2 हो गया, और ये 8 से हो जाएगा 8, 900, तो ये हो जाएगा 900 बाई 8, दिस इज 960 माइनस 900 बाई 8, दिस इज 60 बाई 8, दिस इज 4, ये ऑलमोस्ट आपका इतना आएगा, चार, ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आपका फिट आ गया। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू जो आ रहा है ये 10 फीट से कम है, 10 फीट से ये क्या है, ये 10 फीट से इसका वैल्यू कम है, कहने का मतलब जब फुटबॉल को 64 फीट पर सेकेंड के स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री प्रोजेक्ट किया गया, तो जिस समय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका ये 120 फीट इसका डिस्टेंस था, उस समय वर्टिकल डायरेक्शन में ये 7.45 फीट ही कवर किया था, मतलब ये इसको गोल पोस्ट में पहुंच जाएगा, मतलब एक्चुअल सिचुएशन की बात करें तो कुछ इस तरह का होगा, बॉल जो अगर बॉल यहाँ पे है तो बॉल इसको इस तरह से हिट किया, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आपका 10 फीट है और ये डिस्टेंस मेरा जो निकला है दिस इज 7.45 फीट, मतलब ये पहुंच जाएगा, इसलिए इसका आंसर सिंपल यस या नो बताना है तो इसलिए इसका आंसर हो गया यस, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा था कुछ नहीं, क्लियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।